हेलो डियर व्यूअर्स, डीके इंग्लिश पाठशाला में आपका स्वागत है। डीके इंग्लिश पाठशाला के बारे में जैसा आप जानते ही हैं, उन्होंने अभी स्पोकन इंग्लिश की एक्सक्लूसिव कोर्स प्रोग्राम शुरू किया है जो मेरे द्वारा यानी डीके शर्मा के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। और आज हम एपिसोड 3 में हैं। एपिसोड 1 और 2 पहले से ही अपलोड कर दिए गए हैं, जिनके लिंक जो है ऊपर आपको आई बटन में अभी थोड़ी थोड़ी देर में दिखाई देंगे। एपिसोड 1 और 2 आप ज़रूर देखिए, तभी एपिसोड 3 को देखिए, क्योंकि सारे के सारे जितने भी एपिसोड्स हैं वो सभी इंटरकनेक्टेड हैं और उस वजह से आपको एपिसोड 1, 2, 3 तीनों समझ में आ जाएंगे अगर आप सबको बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए आज के एपिसोड 3 को शुरू करते हैं। आज के एपिसोड 3 का टॉपिक है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस के ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, तो अगर आपको इंग्लिश अच्छे तरीके से बिना किसी ग्रामेटिकल एरर के बोलनी है तो आपको इन तीनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कर्ता कहते हैं, आपने ज़रूर पढ़ा होगा। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ द वर्क। यानी किसी भी सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो उसमें कोई ना कोई काम ज़रूर होगा, होता है कोई ना कोई एक्शन होता है, तो उस एक्शन को जो कंप्लीट करने वाला जो होता है वो होता है सब्जेक्ट। कंप्लीट करने वाले एजेंट को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ द वर्क। देर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। दो तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, एक तो होता है सिंगुलर यानी जो अकेले की बात करता है, किसी एक की बात करता है, और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट जो एक से ज़्यादा की बात करता है, उसे हम प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में देख लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स दिए हुए आपको, ही, शी, इट, दिस, दैट, एनी वन नेम, कोई भी एक नाम, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। तो आप इनको याद कर सकते हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी जो है आपको डाउट ना रहे दिमाग में और कहीं गफलत ना हो जब आप इन सेंटेंसेस, इन वर्ड्स का सेंटेंसेस में यूज़ करें। प्लूरल सब्जेक्ट्स में देखिए आप, आई, यू, दे, दीज, दोज, वी, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें आपको आई और यू थोड़ा सा अलग दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि इनका जो मतलब होता है, आई का मतलब मैं होता है, यू का मतलब तुम होता है, तो लगते ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, लेकिन इनको प्लूरल सब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, तो हमें इसे इसी रूप में लेना है क्योंकि ग्रामर के रूल्स इसी प्रकार से बने हुए हैं, इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसके बाद देखिए, अब आपको फाइंड सब्जेक्ट्स इन फॉलोइंग सेंटेंसेज, ये जितने भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनमें आपको वो सब्जेक्ट ढूंढ के निकालने हैं। और एक दरअसल ये जो सेंटेंसेस हैं ये आपके सेंटेंसेस आपके स्पोकन इंग्लिश में भी काम आ सकते हैं, ताकि इन इंग्लिश सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के अलावा। ही इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर, जैसे कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो आप उसके लिए बोल सकते हैं ही इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। तो अब इसमें ही जो है पढ़ने का काम वो कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट ही है। शी हैज़ फाउंड अ पेन, उसे एक पेन मिला है, तो शी हैज़ फाउंड अ पेन। तो इसमें एक्शन क्या हुआ है? फाउंड का, पाने का, तो उसको एक्शन को कंप्लीट किसने किया? शी ने कंप्लीट किया है, तो शी यहाँ पर सब्जेक्ट है। यू आर प्लेइंग सो स्मार्ट, यू आर प्लेइंग सो स्मार्ट का मतलब कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई बहुत अच्छा खेल रहा है, कोई बहुत अच्छा किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आप उसके लिए बोल सकते हैं यू आर प्लेइंग सो स्मार्ट। इसमें यू सब्जेक्ट है क्योंकि प्ले करने का काम जो है वो यू कर रहा है। राजीव विल रिटर्न टुमारो, राजीव की जगह किसी और अपने रिलेटिव या किसी व्यक्ति के लिए जो कल आने वाला है उसके लिए आप इस तरह का सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, राजीव विल रिटर्न टुमारो। राजीव की जगह बस नाम रिप्लेस कर दीजिए, आपका सेंटेंस बन गया। तो राजीव चूँकि लौट के आएगा इसलिए राजीव यहाँ पर सब्जेक्ट है। वी आर फ्रेंड्स नाउ, अब इसमें वी आर फ्रेंड्स नाउ, वी जो है ये आपका सब्जेक्ट है, और इसमें वैसे कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन एक इम्प्लाइड यानी छुपा हुआ एक्शन है, वो है आपस में फ्रेंड बनने का। तो फ्रेंड बने कौन हैं? वी बने हैं, इसलिए वी यहाँ पर सब्जेक्ट है। हैव यू सीन सुरभि देयर, अब ये यहाँ पर अगर आप किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जिसको किसी ने देखा है या किसी व्यक्ति ने देखा उसके बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो आप इस सेंटेंस को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि क्या तुमने सुरभि को वहाँ देखा है। सब सिर्फ नाम रिप्लेस कर दीजिए और उसके बाद में नया सेंटेंस आपका तैयार हो जाएगा। तो इसमें यू सब्जेक्ट है। डिड सुरभि मीट सुनील, इसमें सुरभि सब्जेक्ट है, क्या सुरभि सुनील से मिली थी? तो आपको ध्यान में रखना है कि सुरभि इसमें सब्जेक्ट है क्योंकि मिलने का काम किसने किया? सुरभि ने किया, किससे? सुनील से। तो डज दिस बॉय ओबे यू, क्या ये लड़का तुम्हारी बात मानता है? ये भी आप इंग्लिश सेंटेंस ध्यान रखें, हिंदी से इंग्लिश किस प्रकार से बनी, क्या ये लड़का तुम्हारी बात मानता है, क्या वह लड़का तुम्हारी बात मानता है, डज दैट बॉय ओबे यू, है ना? तो इसमें ओबे जो है वो एक्शन है, मानना, बात मानना, तो बात मानने का काम कौन करता है? दिस बॉय, तो दिस बॉय इसमें सब्जेक्ट है। व्हाई डिड दीज गर्ल्स कॉल देयर पेरेंट्स, इन लड़कियों ने अपने पेरेंट्स को क्यों बुलाया? तो अब इसमें कॉल जो है वो वर्ब है और
ये बुलाने का काम किया किसने? लड़कियों ने, इन लड़कियों ने, तो दीज गर्ल्स इसमें सब्जेक्ट बना। चलिए आगे चलते हैं अब वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होती है? वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है। तो पूरे सेंटेंस में एक वर्ड ऐसा होता है जिसमें कुछ ना कुछ एक्शन होता है, यानी खाना पीना, सोना, नहाना धोना, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये एक्शन वर्ड्स हैं। तो उनको हम भली भांति पहचान सकते हैं कि वो वर्ब के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, दो तरह की वर्ब्स होती हैं, एक होती है ट्रांसिटिव वर्ब और एक होती है इंट्रांसिटिव वर्ब। हिंदी में आपने ज़रूर पढ़ा होगा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक यानी जिसके साथ में कर्म होता है, जिसका ऑब्जेक्ट होता है, तो वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है, और जिसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, अकर्मक क्रिया होती है। तो किसी भी वर्ब से जब क्या और किसे का जवाब मिल जाता है तो वो ट्रांसिटिव वर्ब होती है, और क्या और किसे का जवाब नहीं मिलता है तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो अगली स्लाइड में ज़रूर समझ में आएगा। ये देखिए, अब ये भी आपके सामने 8 सेंटेंसेज हैं जो अलग अलग परिस्थितियों में यूज़ किए जाते हैं। तो इंग्लिश बोलने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि किस सिचुएशन में किस सेंटेंस को बोलना है ना। तो जैसे ही स्पीक्स मैनी थिंग्स, कोई बहुत ज़्यादा बोलता है तो उसके लिए आप बोल सकते हैं ही स्पीक्स मैनी थिंग्स। अब अगर इसमें वर्ब की बात करें तो वर्ब आपको साफ दिखाई दे रही है, एक्शन वर्ड कौन सा है? स्पीक। अब अगर स्पीक की बात करें कि ये ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है, तो बहुत आसानी से मालूम पड़ सकता है स्पीक वह बोलता है। अब अगर हमने पूछा क्या बोलता है तो जवाब आएगा मैनी थिंग्स, तो जवाब आया ना, तो इसका मतलब ये ट्रांसिटिव वर्ब है। दे स्लीप इन द फर्स्ट रूम, अब कोई कहाँ सोता है इसको भी इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है कि वो पहले कमरे में सोते हैं, तो दे स्लीप इन द फर्स्ट रूम। अब इसमें स्लीप वर्ब है, सोना वर्ब है, इस वर्ब से पूछा क्या सोते हैं तो इसका कोई जवाब नहीं आएगा, तो इसका मतलब है ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। वाई डज़ ही डिसलाइक राजीव, अब इसमें डिसलाइक साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वर्ब है ना, तो अब इस वर्ब से पूछा डिसलाइक से क्या डिसलाइक करते हैं तो राजीव, किसे डिसलाइक करते हैं तो राजीव, तो जवाब आया तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है। व्हेन विल यू रीच देयर, अब ये व्हेन विल यू रीच देयर, आप वहाँ कब पहुँचेंगे, तो रीच जो है उससे अगर आप पूछेंगे क्या और किसे तो इसका जवाब नहीं मिलेगा, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, प्ले मीन्स खेलना, क्या उसने क्रिकेट नहीं खेला, तो खेला क्या खेला, तो क्रिकेट, तो ये ट्रांसिटिव है। विल यू नॉट लाफ नाउ, ये इंट्रांसिटिव है, क्या तुम अब हंसोगे नहीं। दे आस्क मैनी क्वेश्चंस, वे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, कोई जैसे ग्रुप है, कोई बच्चे हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो दे आस्क मैनी क्वेश्चंस, तो आस्क यहाँ पर ट्रांसिटिव वर्ब है। ही हैज़ ऑलरेडी वॉश्ड क्लोथ्स, ही हैज़ ऑलरेडी वॉश्ड, वॉश्ड यहाँ पर ट्रांसिटिव वर्ब है, वॉश मीन्स धोना, क्या धोना, तो क्लोथ्स। तो ये आप इसमें आसानी से वर्ब को ढूंढ के निकाल सकते हैं। अच्छा, वर्ब की एक और पहचान होती है कि उसके साथ में कभी कभी ing लगा हुआ होता है, कभी ded लगा हुआ होता है, तो वर्ब को ढूंढना तो बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे हिंदी में कर्म कहते हैं, वर्ब को कहते हैं क्रिया, सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता, और ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कर्म। तो एन ऑब्जेक्ट इज़ ए वर्ड, एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक वर्ड होता है विच इज़ डायरेक्ट अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई भी काम करता है उसका सबसे डायरेक्ट असर जिस पे होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम पीछे वाले सेंटेंसेस में हमने देखा ही है यहाँ पे, जैसे डज डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट, तो ये ही जो है इसने खेलने का काम किया प्ले, तो खेलने से प्रभावित कौन हुआ, क्रिकेट, क्रिकेट पे सबसे ज़्यादा असर आया, तो क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब, यानी सब्जेक्ट जो काम करता है उससे जिस पर असर होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज़ का अगर कोई नाम है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे मी, हिम, हर, देम, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को याद कर लीजिए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को दिमाग में रखिए कि ये किसी व्यक्ति का नाम या किसी चीज़ का नाम हो सकता है। आगे चलते हैं, फाइंड ऑब्जेक्ट्स इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। और तो ऑब्जेक्ट की एक सबसे बड़ी खास पहचान क्या होती है कि जैसे सबसे ऑब्जेक्ट को ढूंढने से पहले वर्ब ढूंढो, वर्ब मिल गई उसके बाद में ऑब्जेक्ट मिल जाएगा आपको। तो जैसे ये फाउंड यहाँ पर पहले सेंटेंस के अंदर, शी फाउंड ए बैग इन द पार्क, उसे पार्क में एक बैग मिला, तो फाउंड यहाँ पर वर्ब है, तो बैग ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब आप कमेंट करके बताना कि ये ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव, ये सॉरी और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ही स्वीप्स द फ्लोर एवरी डे, वो फर्श को रोज़ साफ़ करता है। तो स्वीप्स, अब वर्ब की पहचान क्या होती है, या तो एस लगा हुआ होता है
या उसकी सेकंड फॉर्म डी डी लगी होती है या फिर आई एन जी लगा हुआ होता है। तो स्वीप्स ये वर्ब है और इसके बाद में द फ्लोर, अब आपको बताना है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तीसरे सेंटेंस में आप देखिए, वाई डिड ही कॉल मी इन दिस ऑफिस, उसने मुझे इस ऑफिस में क्यों बुलाया, अपने ऑफिस में क्यों बुलाया। कॉल इसमें वर्ब है, मी इसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। डू यू लव मी और नॉट, तो लव इसमें ऑब्जेक्ट, लव इसमें वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। तो कमेंट करके बताएं कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। आई विल प्रपोज हर सून, प्रपोज इसमें वर्ब है और हर जो है इसमें ऑब्जेक्ट है। यू हैव नॉट रिस्पोंडेड मी, रिस्पोंडेड ये वर्ब आसानी से पहचान में आ गई यहाँ पे, और इसके बाद में मी दिया हुआ वो ऑब्जेक्ट है। विल यू नॉट रीड दिस, रीड इसमें वर्ब है और दिस उसके बाद में ऑब्जेक्ट है। तो आप इन सभी ऑब्जेक्ट्स का पता आपको लग ही चुका है, अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में आज के लिए जो प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस हैं, हाउ डिड यू मेक दिस पेंटिंग, तो अब इसमें भी आपको जो है सब्जेक्ट सेंटेंस की प्रैक्टिस तो करनी ही है, साथ ही साथ आपको इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट भी ढूंढ के निकालने हैं, और वो बताना भी है आपको कि इसमें स्पेशली वर्ब के बारे में कि वो ट्रांसिटिव है और इंट्रांसिटिव है, ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई विल अप्रिशिएट योर रिस्पॉन्स, अगर आपका रिस्पॉन्स आता है तो मुझे बहुत खुशी होगी, एंड आई विल मेक ए स्पेशल कॉमेंट ऑन दैट। सो हाउ डिड यू मेक दिस पेंटिंग, तुमने ये पेंटिंग कैसे बनाई। अब पेंटिंग की जगह किसी और भी चीज़ का वर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे हाउ डिड यू मेक दिस ब्यूटिफुल पिक्चर, हाउ डिड यू मेक, हाउ डिड यू प्रिपेयर टी, टी तुमने कैसे प्रिपेयर की, हाउ डिड यू कुक राइस, तुमने राइस कैसे प्रिपेयर किए। शी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी अब आपका जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आपको नहीं आ रहा है, तो आप किसी और के लिए कह रहे हैं कि ही विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, शी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, कि वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगी। वाई डिड ही अब्यूज़ मी, किसी ने स्कूल में आपको गाली दे दी या कहीं मोहल्ले में गाली दे दी, तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वाई डिड ही अब्यूज़ मी, उसने मुझे गाली कैसे दी। वैन विल यू मीट मी, किसी सामने वाले से आप पूछ रहे हैं कि आप मुझसे कब मिलेंगे दोबारा। दे आर नॉट आंसरिंग मी, आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं लेकिन वो लोग आपका आंसर नहीं दे रहे हैं, तो दे आर नॉट आंसरिंग मी। ही टुक माई बाइसिकल, वो मेरी बाइसिकल ले गया। ही टुक माई ज्योमेट्री बॉक्स, वो मेरा ज्योमेट्री बॉक्स ले गया। और भी कुछ चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं। शी हैज़ नॉट टेकन टिफिन विद हर, आपकी बहन स्कूल चली गई लेकिन अपने साथ में टिफिन नहीं लेके गई है, तो ये उस सेंटेंस में ये बोला जा सकता है, शी हैज़ नॉट टेकन टिफिन विद हर, शी हैज़ नॉट टेकन पेन विद हर, शी हैज़ नॉट टेकन बैग विद हर। आई हैव नॉट डन एनी मिस्टेक, ये तो ऐसा सेंटेंस है जो सब जगह बोला जा सकता है, मेरी कोई गलती नहीं, जहाँ बोलना हो मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। आप अधिकतर इन सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, तो आई हैव नॉट डन एनी मिस्टेक। ही हिट माई स्कूटर फ्रॉम बैक, उसने मेरे स्कूटर को पीछे से हिट किया। मोदी जी विल एड्रेस द नेशन टुडे, है ना, मोदी जी आज नेशन को एड्रेस करेंगे। तो ये सेंटेंसेस ऐसे हैं जो धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये डेफिनेटली फिर आपके चलन में आने लग जाएंगे। आप आज एक सेंटेंस बोल रहे हैं, दो सेंटेंस बोल रहे हैं, कल पाँच बोलेंगे, फिर दस बोलेंगे, तो आपको लगने लग जाएगा कि आपके आसपास में कुछ जो सेंटेंसेज है वो सेंटेंसेज लिमिटेड मात्रा में और फ्रीक्वेंटली हम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, तो हम बार बार उनका यूज़ करने लग जाएंगे। तो बिना ग्रामर के भी इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन अगर ग्रामर सीख के बोलेंगे तो हम एक्यूरेटली ग्रामर, एक्यूरेटली इंग्लिश बोलेंगे, और सभी लोग जो है हमारी इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट हमें करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर एपिसोड 4, एपिसोड 4 जल्दी आएगा, उसके लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए, और अपने हमारे इस चैनल को जो कि आपका खुद का चैनल है डीके इंग्लिश पाठशाला, इसको लाइक करें, शेयर करें वीडियोज़ को, और सब्सक्राइब करें जरूर चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।